हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम पेन आईवी इंजेक्शन के बारे में फुल जानकारी बताने वाले हैं, जिसको आम चाल की भाषा में गैस का सुई बोला जाता है। तो इस इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि दोस्तों यह इंजेक्शन आखिर में है क्या, साथ ही साथ दोस्तों यह मेडिकल स्टोर पर कितने रुपए में मिल जाएगी, इसके यूजेस क्या है, इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, कैसे इस इंजेक्शन को मरीज को लगाया जाता है, कौन कौन से आईवी फ्लूड के साथ इस इंजेक्शन को चढ़ा सकते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे इस इंजेक्शन का क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनूप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसिन आले चैनल। तो दोस्तों, इस पेन आईवी इंजेक्शन का निर्माण एलकेम लैबोरेटरीज कंपनी बनाती है, लेकिन यह इंजेक्शन बहुत बढ़िया और ब्रांड जानी मानी इंजेक्शन है, और इस इंजेक्शन का MRP 56.50 है। कृपया ध्यान दीजिए, इसके प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस पेन आईवी इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो भाई, इस इंजेक्शन में मुख्य रूप से पैंटोप्राजोल 40 mg साल्ट मिलाया गया है, और यही इस इंजेक्शन का कॉम्पोजिशन है। चलिए अब जान लेते हैं इस पेन आईवी इंजेक्शन के उपयोग के बारे में। तो भाई, इस इंजेक्शन का उपयोग पेट से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उसे ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन का उपयोग एसिड से कोई रिलेटेड बीमारी है तो उसे ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और ये जो समस्या है तो आपके पेट में यानी कि स्टोमच में या इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कंडीशन, तो वो है दोस्तों एसिड रिफ्लक्स। तो एसिड रिफ्लक्स में आपको क्या होता है, पेट का गैस होता है जो आपके शरीर में कहीं पर भी चढ़ सकता है, जैसे कि आपके सीने में गैस हो सकती है, या तो फिर आपके पीठ में गैस चढ़ सकती है, या तो फिर आपके सिर में गैस चढ़ सकती है, जिससे कि आपके बहुत तेज दर्द होने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में इस सुई को डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाता है, और साथ में आपके पेट में बहुत तेज गैस बनती है, जिससे कि आपको उल्टी होना या बार बार डकार आने की समस्या बनी रहती है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और मरीज को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और साथ में किसी को इंडाइजेशन की समस्या है या अपच की समस्या है, खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस सुई को लगाया जाता है। और साथ में किसी को पेप्टिक अल्सर की समस्या है, यानी कि आपके पेट में किसी प्रकार के सूजन है या छाला है या घाव है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और साथ में किसी को पेट में दर्द है तो उस कंडीशन में भी इस सुई को लगाया जाता है। और साथ में किसी को चक्कर आने की समस्या है, या बीपी हाई है, या ब्लड शुगर हाई है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और साथ में किसी मरीज को किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है और उसको गैस बनने की समस्या है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, यही था इस इंजेक्शन का उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मरीज को अदर कंडीशन में भी दे। चलिए अब बात करते हैं इस इंजेक्शन को मरीज को कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप स्लो आईवी लगा सकते हैं, यानी कि ये जो इंजेक्शन है आपके नस में लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस इंजेक्शन को NS में मिक्स करके 5% 10% डेक्सट्रोज में मिक्स करके RL और DNS में भी मिक्स करके इस इंजेक्शन को चढ़ाया जाता है। बात करें डोज के बारे में, तो 40 mg का इंजेक्शन आता है, और इस इंजेक्शन को दिन में एक बार मरीज को लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन को 12 ईयर से ऊपर के मरीज को लगाया जाता है। अगर समस्या ज्यादा गंभीर है तो इसे 2 टाइम भी लगाया जाता है, वो भी डॉक्टर के अनुसार ही लगाए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पेन आईवी इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो भाई, हम सभी को पता है दवा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मरीज को डायरिया होना, सर में दर्द होना और नौसिया वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना और किसी को चक्कर आना। तो दोस्तों, यही था इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट। अगर आपको इसमें से किसी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, तो नज़दीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें, जहाँ फौरन ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकती है।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो पेन आईवी इंजेक्शन के यूज के बारे में, जिसका मुख्य रूप से उपयोग पेट में बनने वाले गैस या एसिडिटी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है और यह बहुत हेल्पफुल इंजेक्शन है। आई होप दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों ने पेन आईवी इंजेक्शन के यूज के बारे में जाना, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और न है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।